आज हमने एकदम आसान तरीके से वेजिटेबल मेयो ग्रिल्ड सैंडविच बनाई है। बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनती है। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं वेजिटेबल मेयोनीज ग्रिल्ड सैंडविच। वेजिटेबल मेयोनीज सैंडविच बनाने के लिए एक कप पत्ता गोभी, आधा कप गाजर, आधा कप शिमला मिर्च, एक चौथाई कप पीली वाली शिमला मिर्च, एक चौथाई कप लाल शिमला मिर्च और एक मीडियम साइज का प्याज, ये भी आधा कप है। और सारी सब्जियां हमें बारीक काट के लेनी है। इसे मैं एक बाउल में डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे पीली वाली शिमला मिर्च और लाल शिमला मिर्च ली है। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप लाल शिमला मिर्च के बदले में लाल टमाटर और थोड़ा हार्ड रहेगा वैसा टमाटर आप ले सकते हैं। उसका बीज निकाल के एकदम बारीक चॉप करके लेना है। और पीली वाली शिमला मिर्च के बदले में आप बॉयल कॉर्न ले सकते हैं, कॉर्न को उबाल के ले सकते हैं। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो डालना चाहे वो डाल सकते हैं। 4 से 5 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक काट के लिया है। 4 से 5 हरी मिर्च कम तीखी वाली है, मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। आधी टीस्पून नमक या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आधी टीस्पून काली मिर्च पाउडर। वेज मेयोनीज लिया है 6 से 7 टेबलस्पून। मैंने मेयोनीज लिया है, मिक्स कर लेंगे। मेयोनीज थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं 2 टेबलस्पून और डालती हूँ। इसमें मैंने लगभग आधा कप जितना मेयोनीज डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सैंडविच में भरने का मिश्रण रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड की स्लाइस ली है। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, वाइट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड। ऊपर बटर लगा लेंगे। बटर एकदम हल्का, थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। धनिया और पुदीना की हरी चटनी, सैंडविच की चटनी ली है, ये लगाएंगे। सैंडविच की चटनी की आपको रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। और चटनी नहीं भी लगाना है तो ये ऑप्शनल है। ऊपर ये वेजिटेबल का मिश्रण हम डालेंगे, इसे अच्छे से फैला लेना है। ऊपर ये दूसरी स्लाइस रख देंगे। ऊपर भी बटर लगा लेंगे। इस तरह से दूसरे सैंडविच भी बना लेते हैं। सैंडविच को हम ग्रिलर में ग्रिल करेंगे। आपके पास ये नहीं है तो आप गैस के ऊपर ग्रिल पैन या फ्राई पैन में कर सकते हैं। बटर लगाया हुआ हिस्सा है हम नीचे की तरफ रखेंगे। ऊपर भी थोड़ा बटर लगा लेंगे। ग्रिलर को हम पूरा बंद नहीं करेंगे, इसे लॉक नहीं करना है। अगर इसे लॉक कर देंगे तो सैंडविच का स्टफिंग बाहर आ जाएगा। ऐसे ही रखेंगे और इसे ग्रिल करेंगे। सैंडविच ग्रिल हो गई है, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। इसे हम बाहर ले लेते हैं। इसी तरह से दूसरे सैंडविच भी बना लेते हैं। सैंडविच को हम कट कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी सैंडविच बन गई है। वेजिटेबल मेयोनीज सैंडविच रेडी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो मिलेंगे अगले और एक नए वीडियो के साथ।